उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन निगम निजीकरण करने के आदेश का सिंगरौली में विरोध किया गया और विरोध स्वरूप उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि विंध्यनगर उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार की अंतर राज्यीय बसों का डिपो सिंगरौली में है, जिसमें सिंगरौली के कई कर्मचारी यहां कार्यरत हैं और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि निगम के अधिकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर आय को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, इसके बाद भी सरकार परिवहन निगम का निजीकरण कर रही है, जिसे तत्काल निरस्त करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पूरे प्रदेश में केवल 7% राष्ट्रीयकृत मार्गों के संचालन करता है, बाकी मार्गों पर प्राइवेट बसें चल रही हैं। इन मार्गों पर भी पहले से ही हम लोग त्रस्त थे। प्राइवेट डग्गा मार वाहने अनाधिकृत वाहनों से, ऐसे में यूपी सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है कि कुछ मार्गों को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, यात्री सुविधा के नाम पर उनका ये कुठाराघात रोडवेज कर्मियों पर हुआ है। क्योंकि हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी अपने आय स्रोतों से ही अपना पूरा देखते हैं, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद परिवहन निगम की आय काफ़ी कम होगी, जिसका प्रभाव हमारे 55,000 कर्मचारियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो इसलिए प्रमुखतया हमारी मांग यही है कि प्राइवेट सेक्टर को देने वाली जो प्रस्ताव है उसको वापस करें, तथा पहले से ही हम 206 मार्गों को राष्ट्रीयकृत करने की मांग करते आ रहे हैं, उनको माना जाए, तथा नई एक्सप्रेसवे व राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहे हैं या बन चुके हैं उनको भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।